अभी हम बेतिया में ही मौजूद है और हमें एक भाई साहब मिले जो बिहार के बाहर से आए और मनीष का सबको देखने के लिए आए। अब इनसे हम परिचय आपको करवाते हैं। ये बोलते भी अंग्रेजी बिल्कुल पराठेदार है और इनका वेशभूषा देख करके आपको लगता होगा कि ये गंवार है, गांव के रहने वाले हैं, लेकिन इनका अंग्रेजी जब आप सुनेंगे और मनीष का सबके समर्थन में जैसे अंग्रेजी में ये स्पीच देते हैं, सच पूछे उसको जानने के बाद आपको हैरानी होगी कि भाई साहब पराठेदार अंग्रेजी बोल कैसे लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं इसलिए बोलता हूँ कि क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह है, मैं उत्तराखंड से हूँ लाइव, लेकिन यहाँ पे आया हूँ कि मनीष भाई के लिए, उत्तराखंड से बेतिया आ गया मनीष भाई के लिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा इन्वॉल्वेड चीज है कि वो इंसान के लिए, युवाओं के लिए, एनी वे मैन के लिए, प्रोग्रेस के लिए, आगे के लिए सबसे आगे है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मनीष कश्यप? वेरी बिगेस्टेड एंड वाइट के ऊपर सब माय वो फ्रेंड्स से प्यार, उनके जैसा क्या है, उन्होंने क्या नहीं करा? व्हाट इज दिस एनी वे मैन टू इंडिया, ऑल कंप्लीटेड फॉर टू इंडिया में, एनी वे जगह स्टेट गए, एनी वे मैन से मिल रहे हैं, एनी वे प्रॉब्लम टू सॉल्व, व्हाई? यानी छोटे से बड़े को लेकर के उन्होंने क्या नहीं करा सर, ए टू जेड को उन्होंने कम्प्लीट बनाया, इंसान दिया, माइंड दिया, दिमाग दिया, जो आज हम 10 युवा है, बड़े भाई छोटे भाई यहाँ खड़े हैं, क्यों दिया? आज उन्हीं की वजह से। अच्छा, मनीष का सबको बिहार से तमिलनाडु ले जाया जाता, फिर इन्हें से लगा करके जेल में बंद कर दिया जाता, ये सब चीज को कैसे देखते हैं आप? सर, हम तो बहुत छोटे हैं और बहुत वो है, इतनी दूर की बात है, अगर हम तुम बोले ना तो सर ये बहुत बड़े लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। हम इतना चाहते हैं हमारा भैया अच्छा है, मेहनत कर रहा है लेबर के लिए, युवाओं के लिए, और हमारा भाई यहाँ आए आज 8। क्या लगा मनीष भाई बेतिया आएंगे? जरूर। कैसा लग रहा आप लोगों को? आएंगे जरूर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मनीष का जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज गरीब का आवाज उठाने वाला जेल में बंद है, हमको उनको रिहा करना है। मनीष भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये जोश जो है आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ तक कैमरा घुमाएंगे कैमरामैन हमारे, वहाँ वहाँ तक देखिए, मुंह के दरवाजे से लेकर के सड़क के इस पार तक ये पूरी कहानी है कि जहाँ भी नजरें आपकी जाएंगी वहाँ तक लोगों का एक पूरा भीड़ जो है मनीष का सबको देखने के लिए उमड़ रही है। देना चाहता हूं, बताइए। मैं मुस्लिम कास्ट से हूँ इन्वॉल्व। आप मुस्लिम हैं जी, लेकिन और मनीष का सबका समर्थन करते हैं। क्या है वो मेरा भाई है, मेरा खून है, मेरे ब्रदर भी बॉर्डर पे लड़ते हैं, उनके फादर भी है उसमें बॉर्डर में, लेकिन हमें उस चीज को नहीं देखना है। हमें देखना है हमें किस हिसाब से हमारा देश प्रोग्रेस हो। आज हमारा देश कहाँ है, हम कब लड़ रहे हैं? भाई साहब जो है जोरदार समर्थन कर रहा है। अगर उनके लिए पैसा तो दूर की बात है, अगर जान की जरूरत पड़े तो हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। मनीष भाई के लिए जान दे दीजिए। अम्बाला से आए हम मिलने के लिए, अम्बाला से आए हैं, अम्बाला से आए हैं, उसी शपथ क्रांति ट्रेन से आए हैं, जिस त्रिवेंद्रम से आए हैं उसी ट्रेन से आप भी, हम भी आए हैं। अगर उनके लिए जान जरूरत पड़े तो जान हम लोग देने के लिए तैयार हैं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और ये जोश देखिए, कई महीना जेल में रहने के बाद शायद कुछ लोगों को लगता था कि मनीष का सबका तेवर जो है अब ठंडा हो गया होगा और उनके समर्थकों का जोश जो है कम हो गया होगा, लेकिन ये जोश, ये जज्बा, ये तेवर देख करके लोगों को अब ये सोचना चाहिए कि मनीष कश्यप इकलौता एक ऐसा संस्थान है जिसे किसी भी सूरत में कितना भी देर काहे नहीं सलाखों के पीछे कैद कर लीजिए, ना तो उनके समर्थकों का जोश कम होगा, ना ही मनीष कश्यप का तेवर कम होगा। एक मनीष कश्यप को बंद करेंगे हम लोग, 50 मनीष कश्यप खड़ा करेंगे। आज मनीष कश्यप की माँ आके वहाँ गिलगिला रही है, अब उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, बहुत दुखद बात है। और कब तक ये लोग बंद करके रखेंगे वहाँ पे? बाकी देख लीजिए इस तस्वीर को, ये भाई साहब उत्तराखंड से आ गए, ये भाई साहब अम्बाला से आ गए, बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के अलग अलग कोने से, देश के अलग अलग कोने से मनीष कश्यप से मिलने के लिए आए हैं। कैसा लगा मनीष भैया आज बेतिया है, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा है, इस दिन का इंतजार था सभी लोगों को। हाँ हाँ हाँ। बाकी आप तिलक चंदन लगाए, हर हर महादेव है, हर हर महादेव, हर महादेव। आज सोमवार के दिन जो है विनती सुन लिया बिहार के लोगों का, मनीष भैया है सामने पुलिस लाइन है जहाँ पे मनीष भाई को रखा गया, बाकी कुछ देर के बाद उनकी कोर्ट में पेशी होगी। हमारी पूरी कोशिश होगी, पूरी प्रयास हमारी टीम की होगी कि मनीष का सबका एक पूरा और स्वच्छ तस्वीर खींच करके आप जिस समय का इंतजार कर रहे थे मनीष भाई का एक बार दर्शन आपको जरूर करवा दे। बाकी आगे जो कुछ भी नया अपडेट आएगा हम बताने का प्रयास करेंगे, सुनवाई में कुछ क्या कुछ आगे आता बताने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, आगे के और अपडेट के लिए जुड़े रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।